अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। इंटरनेट पर कुछ दिनों से एक वीडियो मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद रिलीज होने वाले गाने वार के बारे में गर्दिश कर रही है, जिसके अंदर ये क्लेम किया जा रहा है कि इस गाने के अंदर हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर नाऊज़ु बिल्लाह इनकी तौहीन की गई है। इस गाने का वो क्लिप जहां पर यह नाम इस्तेमाल किया गया है, इसे आप खुद सुन लें। इस वीडियो की हकीकत क्या है ये जानने से पहले ये जान लें कि बतौर मुसलमान अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान माल और औलाद से बढ़कर अगर प्यार नहीं करते तो हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं है। अगर इस गाने के अंदर वाकई हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर तोहीन की गई है तो ऐसे शख्स की सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत, क्योंकि कोई भी गैरतमंद मुसलमान अपने नबी की तोहीन किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर कहानी का दूसरा रुख देखें कि अगर ऐसा नहीं है तो किसी शख्स पर हम इसकी मौत के बाद भी इस पर तोहमात या कोई भी इल्ज़ाम लगाते हैं लेकिन उसे साबित नहीं कर पाते, तो ये भी हमारे आका का फरमान है कि जब भी कोई फासिक शख्स या झूठा शख्स तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो अच्छे से इसकी तस्दीक कर लिया करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि अपनी बेखबरी के अंदर तुम किसी बेकसूर को नुकसान पहुंचा बैठो। यानी जब भी कोई ऐसा मामला हमारे सामने आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि पहले इस पर जज्बाती होकर कोई भी फैसला करने या खुद से जज और काजी बनने के बजाय पहले इस मामले की तहकीकात करो और फिर कोई ठोस कदम उठाओ। और आज के दौर के अंदर तो ये मामला वैसे इंतहाई क्रिटिकल है, क्योंकि ये सोशल मीडिया और इन्फॉर्मेशन का दौर है और किसी भी एक मुसलमान के ऐसे जज्बाती फैसले का नतीजा पूरी दुनिया के मुसलमानों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ऐसे वाकयात के बाद इनकी ज़िंदगी गैर मुस्लिम मुल्कों के अंदर इंतहाई गैर महफूज और अजीरन हो जाती है। इन पर दहशतगर्द शिद्दत पसंद मजहबी होने का लेबल कई दहाइयों तक पीछा करता है। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि किसी भी शख्स पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अदालत भी इसकी क्रेडिबिलिटी देखती है कि क्या ये शख्स इससे पहले भी किसी इस तरह की एक्टिविटी के अंदर कभी शामिल तो नहीं रहा, क्या इससे पहले भी इस शख्स ने किसी मजहब की तोहीन अपने गानों के अंदर या किसी भी जगह पर की। सिद्धू मूसेवाला के बारे में आपको कोई ऐसा वाकया सुनने को नहीं मिलेगा कि इसने कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी मजहब की गुस्ताखी की हो या उनके मजहब के बारे में कोई भी ऐसे तोहीन अमेर जुमले इसकी ज़बान से निकले हों। वो तमाम मजाहब का एहतराम करने वाला एक इंतहाई शरीफ इंसान था और किसी भी मजहब की तोहीन करना या इसका मजाक उड़ाना इसकी फितरत में शामिल नहीं था। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि पूरी ज़िंदगी खुद को इस इल्ज़ाम और दाग से बचाने वाला अपनी मौत से पहले मुसलमानों की सबसे महबूब शख्सियत के बारे में ऐसे तोहीन अमेव जुमले का इस्तेमाल करे। और बाकी रहा मामला सिद्धू मूसेवाला के गैर मुस्लिम होने का, तो ये इसका मामला अल्लाह के सपुर्द है, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि मुर्दों को बिल्कुल भी बुरा मत कहो क्योंकि वो अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं। मगर अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ कि सिद्धू मूसेवाला को इस गाने के अंदर आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल ही क्यों करना पड़ा, जिसे सोचे समझे बगैर जज्बाती अवाम ने इंटरनेट पर मैदान जंग बना दिया कि इस्लाम खतरे में पड़ गया। आपका इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने तो बड़े बड़े दुश्मनों को फतह मक्का के मौके पर माफ़ कर दिया था। इस तरह की बिला वजह की नफरतों से गैर मुस्लिम मुतासर नहीं होते बल्कि खौफजदा होकर इस्लाम से दूर होते हैं, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पर इस वक्त भी देखें तो सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद भी इस गाने के लिरिक्स की वजह से लोग इस पर लानते भेज रहे हैं। दरअसल इस गाने के अंदर सिद्धू मूसेवाला सिखों और अफगानियों के दरमियान लड़ी जाने वाली एक जंग का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसके लिरिक्स पर गौर करें तो ये कुछ इस तरह की स्टोरी को बयान कर रहे हैं। औदे बरछे मुड़े डिग दे की मोहम्मद ते की खान, यहाँ पर खान का मतलब है कि एक खान नाम के किसी शख्स का जिक्र मौजूद है और इसके साथ एक मोहम्मद नाम के शख्स का। दरअसल सिखों ने जिन अफगानियों से जंग की थी इनमें से एक सरदार का नाम था दोस्त मोहम्मद खान और बाकियों के नाम भी इससे मिलते जुलते थे जिनके नाम के आखिर में खान आता। यह महाराजा रंजीत सिंह का दौर था। सिद्धू इन्हीं हुक्मरानों का जिक्र कर रहा है कि सिखों की तलवारों के आगे ये हुक्मरान कुछ भी नहीं थे, यानी कोई भी खान या मोहम्मद नाम का शख्स हमारी तलवारों के आगे कुछ भी नहीं था, जो वाकई में काफ़ी तोहीन अमेज अल्फाज हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हिस्ट्री का जिक्र हो रहा है तो इंसाफ का तकाजा यही है कि हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें कि यहाँ पर जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया बल्कि अनजाने में या गाने के रिदम को बनाने के लिए इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर हम फिर भी सोचें कि सिर्फ खाली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही क्यों इस्तेमाल किया गया और ये यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर इनको मुखातिब किया गया है, तो इस जंग के जिक्र के दौरान ये चीज़ सेंस नहीं बनाती, क्योंकि सिखों की तारीख सिर्फ 500 से 550 साल पुरानी है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि इससे पहले सिखों की तारीख के अंदर किसी और मोहम्मद या खान की तारीख का जिक्र हो या 1000 साल पहले हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या सिख मजहब के वजूद में आने से तकरीबन 1000 साल पहले के टाइम का जिक्र सिखों की तारीख में किया जाए।
क्योंकि इससे पहले सिखों की तारीख के अंदर मोहम्मद नाम की किसी शख्सियत का जिक्र नहीं मिलता जिसका जिक्र सिद्धू अपने गाने में कर रहा हो। लेकिन अगर हम फिर भी इस जिद पर आ गए हैं कि यह सरासर गुस्ताखी है और जानबूझकर की गई है, तो सिद्धू मूसेवाला के वालिद से जब इस बारे में सवाल किया गया तो इनका कहना था कि सिद्धू तो मुसलमानों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो ऐसी गुस्ताखियों का सोच भी नहीं सकता। दरअसल वो इसी तारीख का जिक्र कर रहा था जिसके अंदर दोस्त अहमद खान और बाकी हुक्मरानों का जिक्र किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी को इसकी वजह से तकलीफ पहुंची तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मैं आया सीगा तो अड्डे कार क्योंकि गाने के लिरिक्स को आपस में बने रखने के लिए सिद्धू ने रेफरेंस के तौर पर मोहम्मद के नाम को इस्तेमाल किया, जिसका मकसद गुस्ताखी बिल्कुल नहीं था। लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल के अंदर फिर भी ये गलत है और इस तरह के अल्फाज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे, और ख़ास तौर पर जब इनको सोशल मीडिया से ख़त्म करने का ऑप्शन मौजूद है तो इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए चाहिए तो ये था कि इस पार्ट को गाने से रिमूव कर देते। इस बात का ख्याल रखते हुए कि मुसलमान इस नाम से कितना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और कितनी अकीदत रखते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो मेरे ख्याल में इस वजाहत और माफ़ी के बाद ये मामला हमें अल्लाह पर छोड़कर खामोश रहना चाहिए। किसी पर बिला वजह फतवे ना लगाएं, क्योंकि अगर गुस्ताखी की बात निकली तो आप, मैं और सब इस कैटेगरी के अंदर गुस्ताखी डिक्लेयर होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या कोई भी सुन्नत को छोड़ते हैं। किसी भी शख्स के जन्नती जहन्नमी होने का फैसला अल्लाह ने क़यामत के दिन अपने हाथ के अंदर रखा है कि चाहे तो किसी की भी एक नेकी पर उसे बख्श दे और चाहे तो एक गुनाह पर पकड़ ले। इसलिए सबसे पहले अपनी आखिरत की फिक्र करें, अपने किरदार और अपने अमल के जरिए लोगों को मुतासिर करके इस्लाम की दावत दें, अच्छे मुसलमान बने खुदा नहीं, और दुनिया में लोगों को जन्नती जहन्नमी होने के सर्टिफिकेट देना छोड़ दें। सिद्धू मूसेवाला मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, पर हम दिलों का हाल नहीं जानते। उसका आखिरत का जो भी मामला है अब वो अल्लाह के सपुर्द। हमें इस वजाहत के बाद इस मामले पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। Thanks for watching this video. Allah Hafiz.